जी, मेरा नाम मस्टर जहरा है और मैं एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं पिछले 4 साल से कश्मीर में काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं जो नेशनली इंटरनेशनली पब्लिश हो चुकी हैं। मेरे कुछ एग्जीबिशन भी इंटरनेशनली हो गए हैं। सो मैं एक फ्रीलांस फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ जो पिछले 4 साल से कश्मीर में काम कर रही हूँ। तो जो मेरे ऊपर ये एक्ट लगाया गया है, UAPA, कुछ टेररिज्म एक्ट है, मुझे इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है। बस मेरे जो क्लीग्स हैं उनसे मुझे पता चला है कि इसकी सज़ा 2 साल से लेकर 7 साल तक हो सकती है। तो मेरे आगे मेरा फ्यूचर है, लाइक मैं काम करना चाहती हूँ आगे जाके। अभी मैं कुछ ही साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, मुझे आगे जाके बहुत काम करना है। सो ना, मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो बस मैं अपना काम कर रही हूँ जो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट करता है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में। लाइक वी टेक पिक्चर्स एंड वही पिक्चर्स मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड करती आ रही हूँ पिछले 4 साल से। और अचानक ही मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर ये एक्ट लगाया गया है कि मैं जो यूथ है कश्मीर में, मैं उनको प्रोवोक करती हूँ। सो पिछले 4 साल से मैं ऐसे पोस्ट कर रही हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो मुझे पता ही नहीं है कि मतलब आगे जाके अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। लाइक आई एम राइट नाउ, मेरा आई एम क्लूलेस, पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होगा। अभी मुझे वहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन जाना है, उनसे बात करनी है, तो आगे जाके देखेंगे। लाइक मेरी जो फैमिली है, दे डोंट नो व्हाट इज़ UAPA। कल तक मुझे भी नहीं पता था, पता नहीं। लाइक कश्मीर से बहुत सारे जर्नलिस्ट को है केस कर रहे हैं। पहले कामरान यूसुफ पे किया, फिर आसिफ सुल्तान, देन काजी शिबली, नवमी, एंड कल शाम को एक और जो सीनियर जर्नलिस्ट है जो एक नेशनल आउटलेट के साथ काम कर रहे हैं, उन पे भी FIR लॉन्च किया गया। सो इफ़ जर्नलिस्ट आर डूइंग रॉन्ग, देन एवरी जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड इज़ अ क्रिमिनल। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द ट्रूथ। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, आई एम नथिंग लेस एंड नथिंग। क्या होगा, क्योंकि 7 साल जेल भी हो सकती है। लाइक कोई भी कुछ भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, जो कि आई विल ट्राई टू डिफेंड माई सेल्फ थ्रू माई पिक्चर। जो मैंने अपनी पिक्चर उठाई हैं तो उन पर बात करूँगी कि ये पिक्चर कहाँ पर ली थी, कब ली थी। जी, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता है इस एक्ट के बारे में। उनको खाली पता है कि मुझ पे FIR हुआ है। कौन सा FIR हुआ है वो दे आर क्लूलेस अबाउट इट। लाइक उनको, मैंने मामा को नहीं बोला है कि लाइक आई एम बुक्ड अंडर UAPA, इट्स अ ड्रेकोनियन लॉ अंडर विच आई हैव बीन बुक्ड। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स इन कश्मीर, एंड इंशाल्लाह अपना फ्यूचर देख रही हूँ कि इंशाल्लाह आई विल वर्क फॉर मेनी मोर ईयर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।